आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल टैक्सोनॉमिक स्टडीज इज। द क्वेश्चन का मतलब है टैक्सोनॉमिक स्टडीज के प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज मतलब क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना इनटू टैक्सॉन ग्रुप्स या लेवल्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे उन्हें क्लासिफाई करते हैं इनटू टैक्सॉन ग्रुप्स या लेवल्स। ठीक है, ए फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप्स या टैक्सॉन्स का एग्जाम्पल है किंगडम या जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, ये जो भी है ये सब टैक्सॉन्स ग्रुप्स या लेवल्स को कंप्राइज करते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म को इन ग्रुप में क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं, और इसके ऊपर स्टडी को टैक्सोनॉमिक स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो जब टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो टैक्सोनॉमिक स्टडी होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसे पहले क्लासिफाई करके एक टैक्सॉन या ग्रुप के अंदर कंसीडर करना है। मतलब अगर एक हमें एक ऑर्गेनिज्म मिल गया एक्स, तो इसका पहले किंगडम को डिफाइन करना है या फाइलम या डिवीजन को भी कंसीडर करना है, उसके बाद क्लास को, ऑर्डर को, फैमिली को, जीनस को, और फाइनली इसे स्पीशीज पे कंसीडर करके इंक्लूड करना है। इसके लिए टैक्सोनॉमिक स्टडीज होता है इस एक्स स्पीशीज के या इस एक्स ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो जब टैक्सोनॉमिक स्टडीज होता है, पहला स्टेप, प्राइमरी स्टेप क्या होता है? तो हमें पता है कि एक्स कुछ ऑर्गेनिज्म मिला है जिसका कोई नाम नहीं है अभी तक, क्योंकि आफ्टर टैक्सोनॉमिक स्टडीज ही इसका नॉमनक्लेचर किया जाएगा। जब ये मिलेगा या इसकी प्रेजेंस हमें पता चलेगा, तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए पहले इसे कलेक्ट करते हैं, है ना? सैंपल को कलेक्ट करना है, ये जो स्पेसिमेन है या प्लांट है या ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कुछ एनिमल हो सकता है, पहले स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है इसे आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है ऐसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब इन्हें इनकी किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को क्लासिफाई करके उसमें इंक्लूड करते हैं। और फाइनली जब जीनस स्पीशीज तो मिल जाएंगे तो उनका नेमिंग भी करते हैं। बायनोमियल नॉमनक्लेचर जो है अब की हॉलमार्क ऑफ नॉमनक्लेचर, तो जीनस और स्पीशीज को लेके बायनोमियल नॉमनक्लेचर करके इनका नेमिंग भी होता है इस ऑर्गेनिज्म का। तो प्राइमरी स्टेप जो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन या सैंपल, और क्वेश्चन में प्राइमरी स्टेप को ही पूछा है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, या ये कोई भी स्पीशीज हो सकता है, प्लांट्स या एनिमल्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी एक्चुअल स्पेसिमेन को कलेक्ट करना फर्स्ट स्टेप है, ऐसे बोल रहे हैं, ये सही है। अभी हमने बताया कलेक्टिंग है प्राइमरी स्टेप, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन सेकेंड स्टेप है, तो ये गलत है। और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरिया, ये एक टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन से बेहतर इसे बोल सकते हैं एक टैक्सोनॉमिकल एड है, जहाँ पर स्पेशली प्लांट्स पे, तो प्लांट्स को लेके ड्राई करके प्रेस करके इसे एक हर्बेरियम शीट पे स्टिक करते हैं, और उस पर साइड राइट बॉटम कॉर्नर में इसकी डेटा भी लिखते हैं, किसने कलेक्ट किया, ये कौन सी, इसका क्लासिफिकेशन या डेट और डेट ऑफ मेकिंग दिस हर्बेरिया, और ये सब इस डेटा में मेंशन किया जाता है। और ये स्टेप आता है नेमिंग के बाद फॉर टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, ये पहला स्टेप नहीं है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन डी है। मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पर बोल रहे कि एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन ही सही है, वो है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।